टॉपिक है फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखिएगा क्या कॉन्सेप्ट है समझना। अंडर सच अ स्कीम, पेज नंबर 16 पर है ये आपके पास। देखिए फ्लैट रेट का कॉन्सेप्ट क्या है। अंडर सच अ स्कीम फाइनेंस कंपनीज स्ट्रक्चर देयर हायर परचेज लोन ऑन अ फ्लैट रेट वेयर अ कोटेड फ्लैट इंटरेस्ट रेट इज अप्लाइड टू द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दस कंप्यूटेड हैज टू बी रीपेड इन इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट इन दैट पीरियड। देखिए बेसिकली द फ्लैट रेट कॉन्सेप्ट इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ईएमआईज। हम इसका जो यूज करते हैं वो किसमें करेंगे, ईएमआईज की कैलकुलेशन में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है फ्लैट रेट कॉन्सेप्ट में, आपने जितने अमाउंट का लोन लिया उस लोन अमाउंट पर कंप्लीट पीरियड के लिए आप क्या निकाल लोगे, इंटरेस्ट निकाल लोगे फॉर द होल पीरियड एंटायर पीरियड ऑफ द लोन। देन अब एंटायर पीरियड ऑफ द पीरियड के लिए आपके पास इंटरेस्ट आ गया, उसको उस प्रिंसिपल में जोड़ दोगे तो टोटल अमाउंट टू बी पेड बन जाएगा। फिर उस टोटल अमाउंट टू बी पेड को आप डिवाइड कर दोगे आपको जितनी मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो ये आपके पास ईएमआई का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आपसे एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी जाती है। देखिएगा देयर आर टू वे टू कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपका पहला तरीका तो होता है आईआरआर के द्वारा आप इफेक्टिव रेट निकालो, आपकी इफेक्टिव रेट इज ऑलवेज इक्वल टू आईआरआर, बट उसमें कॉन्सेप्ट में टाइम बहुत लगता है। तो हमारे पास एक शॉर्टकट वे है कि अगर हमने एक फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाली हुई है तो उस फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला देखेंगे, एन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन इंटू टू एफ। एन का मतलब है आपकी जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आ रही हैं। ठीक है, एन का मतलब लिख लेंगे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। देखिएगा किस तरह से अप्लाई करोगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है, सबसे पहले हम लेते हैं 28। देखिए इसने क्या बोला है, कार की कॉस्ट है 240 जिसमें से आपने डाउन पेमेंट कर दिया 28375। तो यानी सबसे पहले मुझे मेरा लोन अमाउंट चाहिए कि व्हाट विल बी द लोन अमाउंट। देखिएगा कॉस्ट ऑफ कार, कॉस्ट ऑफ कार है 240,000, इसमें से माइनस कर दो डाउन पेमेंट 28375, इतना तो आपने तुरंत दे दिया, तो रिमेनिंग वैल्यू आपका लोन बन गई, तो दैट इज अवर लोन अमाउंट। 240 में से हमने ये अमाउंट पे कर दिया, तो 240 माइनस 28375, तो लोन अमाउंट इज 211625। नाउ व्हाट द क्वेश्चन सेज, आपका 30 महीने का फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, तो लीजिए टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देते हैं। अब हम टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एंटायर फॉर एंटायर पीरियड ऑन हटाएं, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एंटायर पीरियड, तो 211625 इंटू फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 6.5
497 अपॉन 100 इंटू 30/12, तो ये आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो लीजिए टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दें, 211625 इंटू 6.497% डिवाइड बाय 12 इंटू 30, 34373, दैट इज अवर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इससे अब हमारा टोटल रीपेमेंट आ जाएगा, टोटल रीपेमेंट, तो देखिएगा टोटल रीपेमेंट आपको कितना करना है, 211625 तो ये चुकाओगे प्लस इंटरेस्ट का 34373, तो दैट इज 211625 प्लस 34373, टोटल इज 245998। ये टोटल अमाउंट आपको रीपे करना है अलोंग विद द इंटरेस्ट। देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैट रेट सिर्फ इतना सा ही बताती है कि एंटायर पीरियड के लिए आपका एक सिंगल रेट अप्लाई हो जाएगी। नाउ अब इस अमाउंट को आपको 30 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो देन ईएमआई इज इक्वल टू 245998 डिवाइडेड बाय 30, 245998 डिवाइड बाय 30, दैट इज 8200 आपके पास ईएमआई की वैल्यू आ गई है। ये लीजिए रुपीज 8200। बोलिए क्लियर है बिल्कुल ये ईएमआई कैलकुलेशन? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्या बोल रहा है, जीकेएल लिमिटेड इज कंसीडरिंग इंस्टॉलमेंट सेल ऑफ एलसीडी टीवी एज अ सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटेजी। इन अ डील ऑफ एलसीडी टीवी द सेलिंग प्राइस इज रुपीज 50,000। अ कस्टमर कैन परचेज इट फॉर डाउन पेमेंट ऑफ 10,000 एंड द बैलेंस अमाउंट बाय अडॉप्टिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। या तो वो 12 महीने की ईएमआई चुन ले 3,800 रुपए के हिसाब से, या वो 24 महीने की ईएमआई चुन ले 2,140 के हिसाब से। इसने बोला है फ्लैट रेट निकालो और इफेक्टिव रेट निकालो, उल्टा क्वेश्चन, फ्लैट रेट निकालनी है। तो फ्लैट रेट कैसे निकालेंगे, देखिएगा सबसे पहले अपन ने अगर एक सिंपल पॉइंट पर बात करें कि आप पहला ऑप्शन लेते हैं, फर्स्ट ट्वेल्व मंथ्स ईएमआई, टोटल अमाउंट पेबल दैट इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, दैट इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना, देखिए आपकी ईएमआई है 3800 रुपए और इंटू 12 इंस्टॉलमेंट, तो आपने टोटल अमाउंट इतना पे किया होगा, तो 12 इंटू 3800 ये आ गया 45,600। आपने जबकि आपका लोन अमाउंट कितना था, लोन अमाउंट देखिए 50,000 की उसकी वैल्यू थी जिसमें से आपने 10,000 का डाउन पेमेंट कर दिया, तो यानी आपका लोन अमाउंट कितना बना 40,000। अब जरा समझे, अगर आपको लोन के रेस्पेक्ट में 40,000 का पेमेंट करना था और आपका टोटल पेमेंट बना 45,600, तो इसका मतलब आपने ये जो एक्सेस अमाउंट दिया दैट अमाउंट इज टुवर्ड्स इंटरेस्ट, तो यानी इंटरेस्ट एलिमेंट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट
तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 45600 माइनस 40,000, दैट इज 5600। ये आपका इंटरेस्ट का अमाउंट बना। नाउ ये इंटरेस्ट से अब हम रेट निकाल सकते हैं। तो लीजिए फ्लैट रेट इज इक्वल टू ये 5600 रुपए का ब्याज बना 40,000 के लोन पर इंटू 100, तो द रेट इज 14%, यानी आपकी फ्लैट रेट कितनी आ गई 40। देख लें ध्यान से, अगर हमने 12 मंथ्स ईएमआई का ऑप्शन लिया तो आपका टोटल इतना पेमेंट बना, उसमें से लोन केवल इतने का था, तो इसका मतलब बाकी का पैसा आपने इंटरेस्ट के रूप में दिया, तो इंटरेस्ट की हमने एक रेट निकाल ली। नाउ इफेक्टिव रेट अगर हमें निकालनी है इफेक्टिव रेट, तो फॉर्मूला क्या था हमारा देखिएगा, इफेक्टिव रेट का एन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन इंटू 2f। एन का मतलब कितनी नंबर ऑफ ईएमआई थी आपकी 12 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 14, तो दैट मीन्स 12 डिवाइडेड बाय 13 टू 28, दैट इज अ शॉर्टकट वे टू कैलकुलेट इफेक्टिव रेट। आ जाएगी 25.85%, 25.85%, ठीक है। सेकेंड, अगर हम 24 मंथ्स ईएमआई को सिलेक्ट करते हैं, सेकेंड पॉइंट है 24 मंथ्स ईएमआई, तो देखिएगा सबसे पहले टोटल अमाउंट पेबल, देखिएगा टोटल अमाउंट पेबल कितना बनेगा आपका, आपकी 2140 अमाउंट है, 2140 इंटू 24, दैट इज 2140 इंटू 24 51360, ये अमाउंट आपने टोटल पे किया, लेकिन आपका जो लोन अमाउंट था वो मात्र 40 था, लोन अमाउंट था हमारे पास 40,000, तो इसका मतलब हमारा टोटल इंटरेस्ट फॉर 24 मंथ्स, हमारे पास 24 मंथ्स का टोटल इंटरेस्ट बना 51360 माइनस 40,000, 51360 माइनस 40,000 दैट इज 11,360 रुपए। ये 24 महीने का एक फ्लैट रेट से आपके पास बना, तो एनुअल निकाल सकते हैं अपन फ्लैट अमाउंट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट अमाउंट, ये 11360 डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपकी फ्लैट रेट से इंटरेस्ट की कॉस्ट कितनी पड़ी 5680। लीजिए फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगी 5680, 40,000 के ऊपर है, क्योंकि अब हमने एनुअल निकाल लिया तो हमारे पास रेट भी एनुअल, डिवाइडेड बाय 40,000 एंड इनटू 100, तो 14.20% आपकी फ्लैट रेट लग गई।
नाउ वी कैन कंप्यूट इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट. चलिए तो इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे, एन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन इंटू टू एफ. ठीक है, तो एन इस बार 24 डिवाइडेड बाय 24 प्लस एक इंटू टू इंटू 14.2. तो दैट इज हमारे पास 24 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 28.40. ये लीजिए 24 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 28.4, द रेट इज 27.26%. ये लीजिए दिस इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट का. एंड फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ हमने क्या निकाल ली, एक इफेक्टिव रेट